सर एक सवाल जो है वो वो भी बड़ी शिद्दत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो ये है कि ब्लूवर सिटी के ख़िलाफ़ जो है वह एक प्रोपागेंडा भी हुआ था वो किसने करवाया था किसने करवाया था जी बहुत स्पेसिफिकली तो पॉइंट आउट करना मुश्किल है कुछ बड़े नाम इन्वॉल्व हैं जो हमें मिली इतला और कुछ रूटीन के कम्पटिटर्स होते हैं तो ये इस मुल्क का डायलॉमा भी है या इस खत् की खूबसूरती भी है कि आपको दुश्मन जो है वो वरसे में मिलते हैं साथ स्पेशली आप कोई अच्छा काम करने लगें तो वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो खड़े किए जाते हैं कि वो अच्छा काम कहीं हो ना जाए मैंने भी भी, फिर आपको आपको फिर उस प्रॉपागेंडा की वजह से आपको किन मुश्किल को जो है वो फेस करना पड़ा उस प्रोपेगेंडा की वजह से जी आ, ये हुआ कि हमें अल्लाह ने मैंने जैसे बताया कि जिस वक्त आपको अनसीन दुश्मन हो ना तो आप उसके लिए अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करते हैं तो उन सारे हमारे मोहब्बत करने वालों के लिए जिन्होंने हमारी राह में रोडे अटकाए उनके लिए पैगाम है बट भी है कुछ लोगों का तो सर ये भी ख्याल <laughs> है माजद के साथ के यह प्रॉपागेंडा आपकी तरफ से एक पब्लिसिटी स्टंट था और आपने खुद ही ये पब्लिसिटी स्टंट किया था ताकि आपको फ़ेम मिल सके और ब्लू बर्ड सिटी जो है वो और प्रमोट हो सके नहीं जी फेम हासिल करने के और बड़े पॉजिटिव तरीके हैं उसके लिए नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं होती नेगेटिविटी से आपके लिए मसाइल भी खड़े हो सकते हैं तो बिल्कुल भी हमारी तरफ से कोई प्लान नहीं है जब अल्लाह पाक वैसे ही हमें लोगों की मोहब्बत से नवाज रहे हैं तो हमें ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है वो जनवनली जो लोग हमारे खिलाफ प्रोपा करते हैं तो उनके वो करने से अल्लाह पाक हमें उसका और पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं सर आप सी के साथ भी माशा से मुनसलिक हैं और सी के साथ आप कब मनसिक हुए और आप क्या समझते हैं सी जो है वो सरमाकारों के हवाले से या एक रियल स्टेट को किस तरह से बूस्ट जो है वो दे सकता है क्योंकि हमारा एक आम ये भी पाया जाता है कि जब सी आया था तो बहुत से डीलर्स जो हैं वो चाहे डी हो चाहे बैरिया हो तो वो सार सब लोगों का रुझान खासतौर तो पर कराची की मार्केट जो है वो सारी ग्वादर की तरफ मूव हो गई थी और आप भी माशा से सी के साथ मुंसलिक हैं आपका सफ़र कैसा रहा और आपने कब शुरू किया सी पैक ने जी एक आ, एक एक प्रोजेक्ट है सी पैक एक आ, आ, सोच आप कह लें और वो सोच ये है कि आप चाइना से एक रोड शुरू होगा दैट वुड अल्टीमेटली लैंड इन टू यानी इट्स इट्स अ रूट जो इट्स अ कॉरिडोर जो उसकी वर्डिंग भी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो हम उससे इस तरह से मुंसलिक हैं कि वो राइट ऑन टॉप ऑफ दैट रूट ना और एक तो स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली सी पैक के लिए मोटर वे बनाई जा रही है जो मैंने आपको बताया फतेहजंग के पास से गुज़रती है और एक मोटरवे इट् सेल्फ इज़ पार्ट ऑफ द सी पैक रूट यानी गवादर से निकल के जो एक कह लें डिफरेंट वी पैक रूट की वो पाकिस्तान में स्प्रेड होनी है वो इंडस्ट्रियल सिटीज़ से भी गुज़रनी है और वो डेवलप्ड सिटीज़ से भी गुज़रनी है और उन्होंने दोबारा अल्टीमेटली लैंड आ, करना है ऊपर चाइना की तरफ यानी चाइना से ले नीचे आ, गवादर तक जो कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से स्प्रेड होती हुई दोबारा एक जगह पे इकट्ठी होती तो चूंकि हम उस उस रूट के ऊपर हैं और हम ये समझते हैं कि हम पहला ऑर्गेनाइज्ड रहायशी मंसूबा हैं जो सी पैक रूट के ऊपर डेवलप हुआ है एंड इट्स 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 स्केल्ड टू तो द साइज़ ऑफ अ सिटी तो ये हमें अफादियत उसमें हासिल है और अगर तो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी उनको पता है कि उन्होंने चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट पे कैपिटलाइज़ कैसे करना है और चाइनीज़ को यूटिलाइज़ कैसे करना है या चाइनीज़ की टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज़ करना है तो तब तो वो उसका बेनिफिट उठा सकेंगे अगर उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में वो कैपेबिलिटी नहीं है और वो माजे साझे काम कर रहे हैं तो वो यू कैन इमेजिन कि वो चाइना से कुछ ले भी पाएंगे या हम सिर्फ उनका नाम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअल कनेक्टिविटी कोई भी नहीं है तो हम तो वी आर एंटरिंग इनटू टू एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट चाइनीज़ कंपनीज़ फॉर कमिंग ऑन बोर्ड ऑन टू आ प्रोजेक्ट और डेवलपिंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ना अगर तो उसकी कोई उनके पास शवाहद मौजूद हैं कि वो क्या बनाने जा रहे हैं और उसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है और उस कंपनी का अपना कोई चाइना में भी बैकग्राउंड है फिर तो उसकी लिजिटमेसी पे आप रिलई कर सकते हैं और आवाम को ये करना चाहिए कि वो एक्सप्लोर करें कि जन का डिवेलपर या जो प्रोजेक्ट चीज अनाउंस कर रहा है उसकी बैकग्राउंड भी कोई है कि नहीं है कोई बुनियाद भी, भी, है, है कि ये नहीं ये जानना चीज़ें बहुत जरूरी होती है ना नहीं ऐसा ही है कि बिल्कुल जिस तरह से ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है बूस्ट आएगा इसी तरह से चाइना की जो इकॉनमी है उसको भी बूस्ट आएगा अगला सवाल जो मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि चक्री पर ब्लू ब्लूवर्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी क्या लगता है आपको ये दोनों सोसाइटीज कामयाब हो सकेंगी जी अलहमदुल्ला अपने हवाले से तो बंदा किसी अजम का इजहार कर सकता है और अल्लाह पाक से दुआ गो हो सकता है अलहमदिल्ला हम तो एफ़र्ट्स कर रहे हैं और लगे हुए हैं और इसी उम्मीद पे लगे हुए हैं कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी से नवाजेंगे और उनके लिए भी हम दुआगो हैं आ, देरा रिस्पेक्टेबल ग्रुप आ, अच्छे लोग हैं उनकी हिस्ट्री है डेवलपमेंट में और एज़ कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने पाकिस्तान के अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके लिए भी हम दवा हुए हैं कि वो कामयाब हों इन श्ला और मुझे ये, ये बड़ी अच्छी आपने बात कर दी वना उमन ये तसर भी होता है कि हरीफ़ एक दूसरे की मुखालफत बात करते हैं <laughs> और... जी जो मैंने अर्ज़ किया जो ज़िंदगी में कामयाबियाँ हैं ना वो हमेशा अल्लाह पाक कता करते हैं और हमें हमारे बुज़ुर्गों से भी यही वरसे में मिला और बचपन में एक स्कूल कॉलेज में शायद चीज़ बात सीखी मैं अक्सर अपने बच्चों को और जो कह लें हमारे साथ चलते हैं उनको मैं एग्ज़ाम्पल कोट करता होता हूँ कि बचपन में आ, किसी ने सिखाया था कि अगर पेपर पे एक लकीर लगी है ना तो इसको छेड़े बगैर जो है इसको छोटा करके दिखाओ ना तो उसका तरीका जो है या उसका सलूशन ये होता है कि उसके साथ आप एक बड़ी लकीर लगा देते हैं तो वो दूसरी लकीर खुद ही छोटी लगने लग पड़ती है तो किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती अल्लाह पाक ने आपके लिए कामयाबियाँ तय की हुई हैं तो और उनके जिम्मेदारी अल्लाह पाक की खुद की है तो किसी और के मामला को बुरा या अच्छा क्या है कि आपको कुछ हासिल नहीं होता तो बंदे को अच्छा ही सोचना चाहिए और उसको अच्छा ही रिजल्ट मिलता सर रियल स्टेट के हवाले से जो है वो ये बात बड़ी आम है कि इसमें रिश्वत का जो है बहुत रिवाज है इस हवाले से आपकी क्या राय है देखिए ये सिर्फ रियल इस्टेट में नहीं पाकिस्तान के किसी भी ग्रोइंग सेक्टर में उसको ग्रोथ के लिए आ, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है इसको थोड़ा सा आप इस अंदाज में लेना इसको एक प्रॉब्लम समझें तो फिर आप इसका सलूशन को वर्कआउट कर सकते हैं मैंने एक पहले किसी टी वी प्रोग्राम में इस हवाले से जिक्र भी किया और वो आ, मेरा क्लिप बहुत सरकारी अफसरों ने बहुत शेयर किया आपस में और वो प्रपोज़ल ये थी कि अगर जितने डेवलपमेंट के ज़िम्मेदार अदारे हैं इस मुल्क में अगर उनका आप स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप कर दें कि वो डेवलपर्स के साथ साथ वो अफ़सरान भी ग्रो करें यानी आप मतलब वैसे तो उन्हें इलीगली इलीगली कह लें या बियॉन्ड देयर रिसोर्स ऑफ इनकम किसी से रबता करके अपने मामलों सीधे करने पड़ते हैं और वो आ, जो अफसरान हैं वो रोड़े भी अटकाते हैं कामों में तो अगर आप उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा कर दें और ये डिस्पैरिटी सोसाइटी से ख़त्म करें ना कि एक ही टेबल पे इस तरफ़ बैठने वाला बंदा जो किसी बंदे को काम करने की इजाज़त दे रहा है वो सारी उम्र उस महरूमियाँ अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की और उसकी ग्रोथ ही देखता रह जाता है और चूँकि एक मटीरियलस्टिक सोसाइटी है और अल्टीमेटली uh, आपकी इज्जत इस सोसाइटी में इस मटीरियलस्टिक सोसाइटी में वो पैसे से ही जब इज़्ज़त डेवलप होती है जब आपने पूरी सोसाइटी का माशरे का नॉम ही ये बना दिया है कि इज्जत सिर्फ उसकी करनी है जिसके पास बड़ी गाड़ी है ठीक है वो भले चोरी से कमाई गई वो भले हराम से कमाई गई वो इस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने इज़्ज़त उसी की करनी है जिसकी बड़ी गाड़ी है यानी आप पुलिस वाले से शुरू हो जाएँ और किसी होटल के पी एन तक वो सिर्फ बड़ी वाले गाड़ी वाले की इज़्ज़त करता है ना जिस सोसाइटी का नॉम और कल्चर ये बना दिया है पहले तो आपको इस नॉम एंड कल्चर को ठीक करना है और ये काम मैंने नहीं देखा किसी गवर्नमेंट ने आज तक करने की भी कोशिश की हो यानी सोसाइटी का कल्चरल एस्पेक्ट बैसीत कौम ब मुसलमान हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको भी तो करेक्ट करने की ज़रूरत है ना और उसका कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए या नेशनल डिफेंस को वॉच करने के लिए तो आपने इतने सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हुए हैं और वहाँ पे फौजी जर्नैल भी बैठे होते हैं वहाँ पे जजेस भी बैठे होते हैं वहाँ पे पॉलिटिशियंस भी बैठे होते हैं और वो मुल्क की सरहदों का दफा करने तो लगे होते हैं लेकिन मुल्क की इकदार का दफ़ा नहीं करते जिस पे वो सरहदें खड़ी हैं बिल्कुल यानी आप एक आइडियोलॉजी पे खड़े हैं ना वरना सरहदों की ज़रूरत क्या है अगर आपकी आइडियोलॉजी ये है आ, आप आइडियोलॉजी या आइडियोलॉजिकली मुसलमान हैं और आपको बहसीियत मुसलमान एक स्टेट रिक्वायर्ड है और उस स्टेट की के तहफ के लिए आप सरहदों पे आपने फ़ौजें खड़ी की हुई हैं और अपने मुल्क का सत्तर अस्सी परसेंट बजट आप अपने मुल्क की सरहदों की प्रोटेक्शन में गुजार देते हैं तो उसी ग्रोथ का या उसी प्रोटेक्शन का एक हिस्सा ये है कि आप अपने आवाम के अपनी पब्लिक के अपने स्टूडेंट्स के कल्चर पे भी तो काम करें कि उन्हें भी तो पता हो किस आइडियोलॉजी का तहफ़ कर रहे हैं बच्चों आपके को पता ही नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है वो कभी अर्तगल साहब की तरफ देख रहे हैं ठीक है वो कभी अर्दगान की तरफ देख रहे हैं वो कभी ट्रंप की तरफ देख रहे हैं वो कभी बिल गेट्स की तरफ़ देख रहे हैं वो कभी माइकल जैक्सन की तरफ देख रहे हैं वो कभी सलमान खान की तरफ देख रहे हैं कभी व आमिर ख़ान की तरफ देख रहे हैं आपका ना कोई लोकल हीरो है ना आपकी कोई आइडियालॉजी है और आइडियालॉजी इसलिए नहीं है कि जो आइडियालॉजी एज अ मुसलमान आपको दे दी गई है और वो सिर्फ और सिर्फ आप से पर ख़त्म होती है ख़ात्मनबीन हैं उनको आप एज़ अ रोल मॉडल कोट तो करते हैं पढ़ाने को कोई तैयार नहीं तो जिस वक्त आइडियोलॉजिकली आप अपने आप को डेवलप एज अ नेशन नहीं करेंगे तो इस सारे तहफ़ का फ़ायदा कोई नहीं वो आपको अंदर से डिस्ट्रॉय कर देंगे जो हम तकरीबन हो गए हुए एज अ नेशन हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है और आई एम सॉरी मैं गॉड कैरेट अवे विद दिस लेकिन ये लिंक्ड अप है जो आपने सवाल किया है ना जी के uh, रिश्वत चलती कि नहीं चलती भाई रिश्वत चलेगी जिस वक्त आपने इतनी डिस्पेरिटी क्रिएट की हुई है जिस वक़्त एक आप ड्रम पानी से भर देंगे और एक तरफ खाली होगा तो वो पानी शिफ्ट होगा ना वो लीगली भी शिफ्ट होगा वो इलीगली भी शिफ्ट होगा खान साहब इमरान खान साहब रियात मदीना की बात करते हैं लेकिन उस इनकलकेशन के लिए उस आइडियालॉजी को प्रमोट करने के लिए कोई एफर्ट नहीं हो रहा और नहीं करेंगे तो यही रिजल्ट होगा रिश्वत चलती है और थ्रू आउट चलती है जी एवरी वन नोज सर हवाई नाजिन को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आपसे दूसरी बात यह है कि रावलपिंडी में और इस्लामाबाद के बीच में जो है वो इन दोनों शहरों में ही और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लेकिन वाई पीपल आ, ऑलवेज़ प्रेफर ब्लूवर्ड सिटी के इसकी क्या वजह है लोग आपके साथ ही ज़्यादा तादाद में क्यों जुड़े हुए हैं बाकियों के साथ क्यों नहीं है जी इस पर हम भी सोचते हैं और अलहमदिल्ला सिर्फ एक ही बात समझ में आती है और वो मेरी दुआ भी होती है मैं हमेशा अपने हर फंक्शन में हर इवेंट में हर जगह जहाँ मुझे मौका मिले वो करने का अ, मैं वो बात करता होता हूँ और वो ये है कि और वह दुआ ये है कि अल्लाह पाक हमसे अपना कोई काम ले लें और मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने अगर हमें नुसरा अ की और लोगों को लगता है कि हमें नुसरा अ की गई है तो उसकी वजह मेरी नाकसराय में सिर्फ सिर्फ़ ये है कि शायद अल्लाह पाक हमसे कोई अच्छा काम लेना चाहते हैं वो हाउसिंग के हवाले भी से भी हो सकता है वो फला के हवाले से भी हो सकता है वो हो सकता है कल को इस मुल्क की नेशनल डेवलपमेंट में बीइंग अ मुस्लिम हमारी इस्लामी तशख़स की डेवलपमेंट में अल्लाह पाक ने हमसे कोई रोल रहना हो तो मुझे इसके अलावा और कोई वजह समझ नहीं आती वरना कोई एफ़र्ट्स है वो और लोग भी कर रहे हैं लेकिन अल्लाह पाक का कोई ख़ास इनाम है कि लोगों की तवज् का मरकज़ इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी है सर नॉर्मली ये चीज़ होती है कि रवायती तौर पर डीलर हजरात जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ कम ही तादाद में मुंसलिक होते हैं लेकिन आपके प्रोजेक्ट की खास वजह ये भी है कि बहुत एक नई जनरेशन जो है यंग डीलर्स जो हैं और मतलब बहुत तेज़ी से जो रुझान है वो आपकी सोसाइटी की वजह से आपकी, आपकी वजह से जो है वो मुंसलिक हो रहे हैं इसकी क्या वजह है ऐसी क्या खासियत है आपकी ब्लू वर्ड सिटी में अल्लाह की मेहरबानी है जी कि बहुत सारे लोग जो पहले शायद रियल इस्टेट से वाबस्ता ही नहीं थे वो हमारे प्रोजेक्ट में अलहमदिल्ला ऑन बोर्ड आए और उन्होंने वो ना सिर्फ़ अलमदुल्लं हमारी ग्रोथ का बायस बने उनकी अपनी भी बहुत सारी उसमें ग्रोथ हुई बेसिकली जी आपको देखना है कि कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में उस वक्त डिफरेंस क्रिएट करता है जिस वक़्त वो डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है जो ऑलरेडी मार्केट में प्रैक्टिस में ना हो हमारे मुकाबले में जो इस मुल्क में बड़ी एग्जांपल्स हैं मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन जानते हैं रियल इस्टेट की एक या दो ही बड़ी एग्जाम्पल्स हैं एक आ, सरकारी अदारा है जो रियल इस्टेट को आ, देखता है जैसे डी है और फिर एक और प्राइवेट अदारा जिसका इस मुल्क में बड़ा नाम है उनके अगर आप ग्रोथ के सफ़र को देखें स्पेशली जो प्राइवेट एंटिटी है तो उनकी ग्रोथ का जो टन है वो पिछले पंद्रह बीस साल पर मुहित है और जिस वक़्त उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया तो अपनी आ, उस बिज़नेस के लाइफ स्पैन के आठवें दसवें साल में जाके उनको वो बूम और ग्रोथ मिली और हमें अल्लाह पाक की मेहरबानी अल्लाह पाक की खास इनायत और अता है कि वो 20 साल का सफ़र हमें अल्लाह पाक ने मैं समझता हूँ मेरी नाकसराय में सिर्फ़ साल दो साल में तय करने का मौका दिया तो अलहमदिल्ला इस तरह का एक बिजनेस मॉडल अल्लाह पाक ने हमें इस प्रोजेक्ट के लिए डेवलप करने का मौका दिया और यही वजह है कि बहुत सारे न्यू कामर्स जो फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रोजेक्ट में आए थे उन्होंने इसके साथ अपनी अटैचमेंट बताए बनाई अफिलेशन बनाई और फिर वहाँ से उन्होंने गेन किया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे पैदल या बाइक्स पे आए और वो आज अपनी लैंड क्रूजर्स में फिर रहे हैं अलहमदिल्ला तो अल्लाह पाक ने इस प्रोजेक्ट को उनके लिए आ, एक वसीला बनाया और उसको देखते हुए और बहुत सारे लोग उस स्ट्रक्चर से जुड़ने लग पड़े सर रियल एस्टेट की दुनिया में जो है वो जुबान जद आम है ब्लूवर्ड सिटी जो है बाकी सोसाइटीज़ की नस्बत ऐसी क्या ख़ास बात है ब्लूवर्ड सिटी में जो दूसरी सोसाइटीज़ में नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी जी इट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग Uh, the first purpose built tourist destination of Pakistan. It would be the first uh, tourist city in Pakistan Or, we uh, effort a special effort which is different than all the other projects in Pakistan. And so, you mean Blue World City will be a tourist city Inshallah, in Pakistan? In Okay. Okay. So, Blue World City, uh, Nasara, sirf a tourist city, a residential project yoga a commercial hub bhi hoga, uh, since it is ideally located on top of the motorway and on top of the CPAC route. और इसकी जो रिंग रोड से और सी पैक रूट से कनेक्टिविटी है और मोटरवे से कनेक्टिविटी है ये इसकी लोकेशन इसको एक कमर्शल हब भी बनाएगी एंड सिर्फ इस्लामाबाद से 25-30 मिनट की ड्राइव पे एक रेजिडेंशियल हब भी बनाएगी जैसे दुबई में कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो नरस्ट कमर्शियल हब है या बिज़नेस हब है उससे 25 से 30 मिनट की ग्लाइड अवे ट्राइव ड्राइव पे होता है जैसे मोटरवेज़ यहाँ हैं वहाँ भी हाई स्पीड हाईवेज़ हैं और आप 25 से 30 मिनट किसी भी डेस्टिनेशन में एक uh, बड़े मकाम से दूसरे बड़े मकाम की तरफ जाते हुए आपको लगता है तो जैसे आप बुर्ज खलीफा से ट्रैवल करना शुरू करें और आपने पाम पे आना है या पाम से ट्रैवल करके आपने uh, किसी भी मेजर डेस्टिनेशन पर विद इन दुबई जाना तो आपको तीस चालीस मिनट लगते हैं तो इसी तरह इस्लामाबाद के ब्लू एरिया से 35 मिनट्स uh, में या 40 मिनट्स में अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी पे आ जाते हैं तो इट वुड नॉट ऑनली सर्व एज अ रेजिडेंशियल हब और मोटरवे पे होने की वजह से सी पैक रूट पे होने की वजह से एज़ अ कमर्शियल हब और टूरिस्ट सिटी uh, बनाने के लिए इसको पर्पज़ बिल्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया है जी कि हमने बेसिकली पूरी दुनिया में जितने मोनूमेंट्स बने हुए हैं हमारा आजम है कि इन हम उसको ब्लू वर्ल्ड सिटी में रेप्लिकेट करेंगे और हमारा कहना ये ये तो अब कोविड 19 आया और लोगों की फ़्लाइट्स बाहर की बंद हो गई हम तो शुरू से कह रहे थे कि हम ऐसा यहाँ शहर आबाद करेंगे कि आपको पाकिस्तान से बाहर आ, अपनी वेकेशन गुजारने नहीं जाना पड़ेगा यू वुड कम टू यू वुड लव टू कम टू ब्लू वर्ल्ड ऐसा क्या बनने जा रहा है हम जी इस वक्त टू स्टार्ट विद हमने वर्ल्ड टॉलेस्ट जो हॉर्स मैस्कॉट्स हैं आ, ये स्विट्जरलैंड में कैल्पीज हैं एक सौ दस फुट ऊँचे हैं हम यहाँ पर इनशाला एक सौ पच्चीस फुट हाइट उनकी अटेन करके और ये इन आप अगले महीने दो में वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ देखेंगे उसके बाद उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर कराएंगे पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाटर थीम पार्क है जो दुबई में आपने अगर वाइल्ड वादी या कहीं अटलांटस जाने का मौका मिला हो तो जो उस लेवल की फैसिलिटीज़ और राइड्स हैं वो सारी राइड्स हम इंपोर्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं फिर टर्की की जो मशहूर ब्लू मॉस्क है उसका रेप्लिका डिटो सेम हम क्रिएट कर रहे हैं हमारी आर्किटेक्चरल टीम जो है इनशाला मैं ख़ुद जाऊँगा हम वहाँ पर उसकी पूरी मॉस्क की केस स्टडी करवाएँगे और उसके बाद सेम उन बुनियादों पर हम उनके मैप्स डेवलप कर चुके हैं लेकिन स्टिल फॉर द एजुकेशन ऑफ़ आर टीम हम उनको वहाँ मौके पर भी लेके जाएंगे और जो डिटेलिंग वहाँ पर आर्किटेक्चरल डिटेल्स डिवेलप की गई हैं वो सारी इन प्रोजेक्ट में रेप्लिकेट uh, करेंगे इसी तरह uh, जो सिंगापुर का नाइट सफारी है उसकी तर्ज पर हम एक ज़ू क्रिएट कर रहे हैं चोरी नई मिजाज साहब उस समय खसूसियत दिलचस्पी ले रहे हैं तो इन शह वो भी हम uh, डेवलप कर रहे हैं और उसके अलावा uh, उसके साथ साथ जो हमारा पहला जनरल ब्लॉक डिलीवर हो रहा है उसके अपोजिट साइड पे हम हॉलीवुड ब्लॉक लेके आ रहे हैं और उसका जो हमने ऑब्वियसली फ्रॉम फ्रेम से ज़ाहिर है हम हॉलीवुड के जो पहाड़ हैं और वहाँ पे जो रेजिडेंशियल एक्टिविटी है और पहाड़ों पे जिस तरह से वो घर बखेरे गए हैं खूबसूरत उसी अंदाज़ में यहाँ पे हम आ, वो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं और इन तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं बल्कि अभी हम जी टी रोड पर हमें एक चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आ रही हैं बहुत सी चीज़ें जी नई रेजिडेंसेस के हवाले से हैं जो हम आ, मल्टी स्टोरी लग्जरी अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं और आ, फिर हम फोर्स स्कूल एंड एजुकेशन सिस्टम जो कि हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम है आ, जो हमारे साथ आ, मिलिट्री के बड़े सीनियर रिटायर्ड ऑफिशल हैं जिसमें जनरल आर एफ साहब हैं जनरल सजाद रसूल साहब हैं ब्रिगेडियर अफ्ताब साहब हैं ब्रिगेडियर अफरा सयाब हैं ब्रिगेडियर शाहराम हैं ब्रिगेडियर हामिद डार हैं पूरी एक मिलिट्री की रिटायर्ड ऑफिशल uh, हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं जिनका सबका एक्सपीरियंस फ़ौज में एजुकेशन का भी रहा है कैडेट कॉलेज़ चलाने का भी रहा है और नॉर्मल जो उनका ए पी एस स्कूल सिस्टम है वो चलाने का रहा है तो कम ऑन बोर्ड व दस और हम इनशाला उनके साथ मिल के पाकिस्तान में एक मुनफरद का एजुकेशन सिस्टम भी लाने लगे हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी में हमने उसका पहला फ्लैगशिप uh, जो ब्रांच है वो खोल रहे हैं तकरीबन एक सौ दस Uh, पे है उसमें बोर्डिंग फैसिलिटी भी होगी इस इलाके के लोगों के लिए भी होगी और जनरली फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान अगर uh, लोग चाहें कि उनके बच्चे एक सेफ़ इन्वायरमेंट में रहें और uh, वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन से भी अट्रैक्शन से भी फ़ायदा उठा सकें uh, महजूज़ हो सकें और एजुकेशन भी क्वालिटी uh, ले सकें तो इन वो वहाँ अवेलेबल होगी फिर इसी तरह हम uh, एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वहाँ पे uh, 400 बेड का हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं तो इनशाला वो भी उस इलाके के लिए भी और प्रोजेक्ट के लिए भी और रेजिडेंट्स के लिए भी बड़ी फैसिलिटी होगी तो इन शॉर्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी इज़ गोइंग टू बी रेप्लिका ऑफ द एंटायर वर्ल्ड जो भी अट्रेक्शन हम दुनिया में समझते हैं कि जिसके लिए लोग दुनिया में जाते हैं इन शाला इनशाला जी इट वुड भी एन आई कॉन और आ, पाकिस्तान इनशाला इस प्रोजेक्ट की वजह से कोट किया जाएगा याद किया जाएगा बहुत से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे चाइनीज़ बहुत सारे यहाँ पे आएंगे चाइना के बहुत सारे मोन्यमेंट्स हमारा रेप्लिकेट करने का इरादा है सेंस हमारी उनके साथ चाइनीज़ के साथ एक कोऑर्डिनेशन चल रही है और हमारे वो इस रीजन के पार्टनर भी हैं सी के पार्टनर हैं तो उनके साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें हमारा इन डेवलप करने का इरादा है सर हमारा इंटरव्यू जो है और हम जा, हम चाहते हैं कि हमारी नशस्त आपके साथ और लंबी होती क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था आपसे और दूसरी बात यह कि आखिर में आ, क्या कहना चाहेंगे आप रियल इस्टेट के हवाले से या सरमाकारों को जो तो है वो क्या मशवरा देना चाहेंगे रियल इस्टेट के हवाले से जी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपके तवसत से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और वो मैं अपने हर प्लेटफॉर्म पर करता हूँ गवर्नमेंट के पास अनफॉर्चुनेटली बहुत कम टाइम है रियासत मदीना का पहला ख्वाब जो इमरान खान साहब ने इस कॉम को पेश किया वो पचास लाख घर थे और उन पचास लाख घरों का डायरेक्टली ताल्लुक़ पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ से था और पाकिस्तान में जो दो मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो या एग्रीकल्चर है या वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और यही आ, किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं अगर इन पर फोकस किया जाए तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जी आप इस सिस्टम को सीधा करने में जो टाइम गुजार रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सिस्टम सीधा नहीं होगा क्योंकि इस सिस्टम को जो आदत डाली गई है पिछले पचास साल में वो आप दो ढाई तीन चार साल में तोड़ नहीं पाएंगे तो खान साहब को चाहिए कि इस सिस्टम को बाईपास करें आइदर ही शुड गो वी हेल्प ऑफ दी इस्टेब्लिशमेंट गो फॉर द प्रजिडेंशल फॉर्म ऑफ सिस्टम जहाँ पे सिंगल यूनिट कमांड हो uh, उसको आप डिक्टेटरशिप कहें उसको आप uh, आ, कुछ और इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं लेकिन सिंगल यूनिट कमांड चाहिए आ, ये जब तक क्वालिफाइड लोग क्वालिफाइड डिपार्टमेंट्स पे फुल डेडिकेशन के साथ और अपने मोडे पे अपनी बंदूक रख के चलाना नहीं शुरू करेंगे इस मुल्क में ग्रोथ नहीं होगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बिल्कुल भी नहीं होगी अभी तक माजरत के साथ आपके जितने डिपार्टमेंट्स हैं जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ शोल्डर शिफ्टिंग कर रही हैं वो सबको ये खतरा है कि हमें नैब ना पकड़ ले और खान साहब के जाने के बाद हमारा क्या बनेगा या इस गवर्नमेंट के जाने के बाद क्या बनेगा तो वो इंतहाई सेफ़ सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं और उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की जो इस मुल्क में हो रहा है उसका बर्डन वो अपने शोल्डर्स पे उठाएं जिसका कल को उन्हें जवाब नहीं होना पड़े चूँकि आप एक ग्रोथ के और चेंज के अलम बरदार बन के आए थे और तब्दीली के अलम बरदार बन बन के आए थे तो तब्दीली के लिए आपको ख़ुद भी आ, फेस करनी पड़ेगी हार्डशिप्स और आपकी जो साथ टीम है जब तक वो ये चीज़ें अपने ऊपर सवार करके और उनके कह लें कि जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनसे मुबर्रा होकर ये काम नहीं करेगी तो ये काम नहीं होगा आपकी सारी आ, जो फॉर्मेशन है मिनिस्टर्स की भी और जो फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की भी और जो फॉर्मेशन है बेरोक्रेसी की भी है वो सिर्फ और सिर्फ शोल्डर शिफ्टिंग करिए वो कोई भी काम ख़ुद नहीं करना चाहते जिस पर उन्हें कल को जवाब दे होना पड़े तो आपको ऐसी टीम रिक्वायर्ड है जो जवाब दे होना चाहे जो चाहे कि यार मुझे भले कल को सूली पे लटका देना लेकिन ये काम हम करके जाएंगे जब तक ये एलिमेंट आपकी टीम में अवेलेबल नहीं होगा आप में ख़ुद में अवेलेबल नहीं होगा और आपको इसलिए खान साहब तैयार रहना चाहिए कि आप को अगर इस मुल्क की ग्रोथ की खातर फांसी भी झलनी पड़े तो वो आपने झलनी है तब आएगी चेंज और ये आपकी टीम में भी ये स्पिरिट होगी तो वो करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट हो इस मुल्क में तो आपको अपने ये बनाए हुए फरसुदा नज़ाम को बायपास करना पड़ेगा नए ऑर्डिनेंसेस लाने पड़ेंगे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये नाफडा के चेयरमैन को भी और वाइस चेयरमैन को रिक्वेस्ट की थी और आपके फोरम तक भी डिफरेंट हवालों से मैंने ये पहले भी पैगाम पहुँचाया है कि आप पचास लाख घर बनाना चाहते हैं ना एक सिंपल फार्मूला है वो आप इम्प्लीमेंट कर दें तो सुबह ही दो चार पाँच लाख घर बनना शुरू हो जाएंगे और वो सिंपल इतना सा है कि आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में जितने अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अप्रूवड हैं उसमें पाँच मरले के आठ मरले के दस मरले के एक किनल के दो किनाल के बहुत सारे प्लाट्स अवेलेबल हैं जो लोग बनाना चाहते हैं जो एंड यूज़र्स बनाना चाहते हैं जो डेवलपर्स बनाना चाहते हैं जो इन्वेस्टर्स बनाना चाहते हैं लेकिन एक पाँच मरले का नक्शा पास कराने के लिए उसको चालीस पचास हज़ार रुपया रिश्वत देनी पड़ती है और अगर बड़ा घर हो तो वो दो तीन चार लाख रुपए तक बात जाती है और उसको उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के आठ महीने एक साल चक्कर काटने पड़ते हैं आपने अभी भी एक नोटिफिकेशन दिया जिसमें आपने लिख तो दिया कि ये साठ दिन के अंदर आपने नक्शा पास करके देना है हाउसिंग अथो सोसाइटीज़ का और तीस दिन में घरों का नक्शा पास करके देना है प्रोवाइडेड के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हूँ माजरत के साथ आपके अफसरान डॉक्यूमेंट्स ही नहीं कंप्लीट होने देते वो उस पर इनकम्प्लीट का ठप्पा लगा ही रखते हैं जब तक कि उनकी जेबें ना गर्म की जाएँ वो कोई अप्रूवल किसी को नहीं देते तो आप सिंपल एक चीज़ इम्प्लीमेंट करें कि जो बंदा जिसकी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट मौजूद है वो अपना नक्शा एक सर्टिफाइड आर्किटेक्ट से एक पी कैट पी के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाए स्टैम्प करवाए और एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के रजिस्टर्ड इंजीनियर से बनवाए स्टैम्प करे और वो जाके हाउसिंग अथॉरिटी में उसकी पर स्क्वायर फिट फीस के साथ जमा कराए और अगले दिन उसे इजाज़त होनी चाहिए कि वो जाके अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें अगर वो नक्शा बायो लॉज के मुताबिक नहीं बना तो डेवलपमेंट अथॉरिटी वो जाके गिरा सकती है घर अभी भी तो ऐसे ही करते हैं जो नक्शा आप जमा करवाते हैं उससे जब वायलेशन होती है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी इज पोज टू तो गो एंड डमोलिश दैट सर्टन एरिया ऑफ़ द प्रोजेक्ट तो आप सिंपल ये चीज़ इंप्लीमेंट कर देंगे नक्शा जमा कराओ फीस जमा कराओ और जाके घर शुरू कर लो तो 50 लाख में से 5-10 लाख घर खुद ही शुरू हो जाएंगे और आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की चाह रहे हैं वो होना शुरू हो जाएगी इसी तरह अगर आप चाहें तो हम आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स का फार्मूला भी पेश कर सकते हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी फुल प्रूफ तरीकाकार पेश कर सकते हैं जो आप सिंगल डे अप्रूवल्स दें प्रोजेक्ट्स को तो पूरे मुल्क को आपकी गवर्नमेंट के ख़त्म होने से पहले पहले 50 लाख घर ज़रूर मिल जाएंगे और आपको अगली हुकूमत मिल जाएगी वरना जिस तर्ज पे आप लोग चल रहे हैं माजरत के साथ शायद बाद में कोई नाम लेना भी ना पसंद करे इसके साथ ही आ, मैं सिर्फ आपसे आप इतना कहना चाहूँगी कि सर बहुत शुक्रिया आप भी अपना इतना कीमती हम जानते हैं कि आप एक अच्छी खासी मसरूफ़ शख्सियत हैं फिर भी आपने हमें टाइम दिया बहुत शुक्रिया न सिम इसके साथ ही प्रॉपर्टी न्यूज़ को आप दीजिएगा इजाज़त क्योंकि अब आप आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए इंटरव्यू के साथ एक नई शख्सियत के साथ सो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि आप एक नए इंटरव्यू को भी देख सकें और आने वाली नई शख्सियत को भी देख सकें और चाहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा शुमार नन्यास को दीजिए इजाज़त आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़